नगर भू माफिया को बाहर निकालो, 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 रूप नगर भू माफिया को बाहर निकालो, बाहर निकालो, रूप नगर भू माफिया को बाहर निकालो, बाहर निकालो, रूप नगर भू माफिया को भू माफिया को बाहर निकालो। जब उपराज्यपाल जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, धन्यवाद कर रहा हूं उनका, क्लियर मैसेज देने वाला व्यक्ति, स्पष्ट करने वाला व्यक्ति, स्पष्ट निर्देश देने वाला व्यक्ति, उसके बाद 75 लोगों को वहां पोजेशन दे दिया गया है। बाकी लोग जितने भी हैं, लगभग 50-52 लोग, उन पर अभी भी भू माफिया का कब्जा है। भू माफिया वहां कब्जा करके बैठा हुआ है और भू माफिया उस कब्जे को छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है। अलॉटमेंट मेरे पास, पोजेशन लेटर। पोजेशन क्या होता है? जमीन के ऊपर मकान बनाने का अधिकार, पैसे देने के बाद लीज डीड साथ में है। इतने वर्ष के लिए लीज डीड दे दी गई, आपको पोजेशन दे रहे हैं, ये जमीन है तुम्हारी और इस जमीन पर जाकर के आप अपना मकान बनाने का प्रयास करो। ये लीगल लोग, लीगल अधिकारी जिनके पास उनका अधिकार है, लेकिन उसके विषय के अंदर कोई विचार करने का प्रयास धूल मिल नीति के माध्यम से किया जा रहा है। मैं माननीय जेडीए के जो वीसी हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, 75 लोगों को उन्होंने उनका अधिकार दिया, 75 लोगों ने वहाँ अपना अधिकार लेकर के मकान बनाना शुरू कर दिया, चार दीवारी शुरू हो गई है। लेकिन अब जिन लोगों ने, भू माफिया ने वहाँ कब्जा किया हुआ है, उस भू माफिया को वहाँ से उठाने की बात आन पड़ गई है। अब मैं श्रीमान आईजीपी जम्मू, उसके बाद में श्री डिविजनल कमिश्नर महोदय, अच्छे वीसी मगोत्रा जी, आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उस भू माफिया को वहाँ से उठाया जाए और जल्द से जल्द माननीय उपराज्यपाल जी के शब्द, उनकी कहने का मतलब कि इन लोगों को उनका अधिकार वहाँ दिया जाए। और मुझे आशा है ये अधिकार आने वाले इस हफ्ते के अंदर या अगले हफ्ते के अंदर ये हमको देने का प्रयास होगा, और उस अधिकार के माध्यम से जो उपराज्यपाल जी ने अपने शब्द कहे हुए हैं उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, और उस अमली जामे को पहना करके ये जो लोग हैं, जो एक सरकारों की, डिपार्टमेंट की ऑथेंटिसिटी, विश्वास, उस विश्वास को कोई भी व्यक्ति डगमगाने नहीं देगा, उनको उनका अधिकार मिलेगा और अधिकार के माध्यम से वो लोग जा कर के वहाँ अपना मकान बना पाएंगे जिनको पोजेशन और लीज डीड दे दी गई है।